बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, जिसे नाम दिया है चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। टेक्स्ट बुक के अंदर तो हमारे पास ये नाम नहीं दिए गए, लेकिन इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए कि कौन कौन से हालातों वाक़यात हुए, चैप्टर को नाम दिया है चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, के चिप्स की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद किस तरह की है। तो सबसे पहले इसकी समरी को देखते हैं। मिस्टर चिप्स वाज अ रिटायर्ड स्कूल मास्टर। मिस्टर चिप्स एक रिटायर्ड स्कूल उस्ताद था। ही लिव्ड एट मिसिज विकेट्स हाउस फॉर मोर देन अ डेकेड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अपनी मुलाजमत से सपदोशी के बाद वो एक तिहाई से ज़्यादा अरसा मिसिज विकेट के यहाँ मुकीम रहा। डेकेड को हम 10 साल का अरसा कहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1848। वो 1848 में पैदा हुआ। ही वॉज अ चाइल्ड जस्ट बिगनिंग टू वॉक व्हेन ही वॉज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन। अपने बचपन में उसे उस वक्त अजीम नुमाइश में ले जाया गया जब उसे ठीक तरह से चलना भी नहीं आता था। ही कुड रिमेंबर वेदर्स बाय टाइम। उसे वेदर बाय का वक्त याद था। ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही केम टू ब्रुकफील्ड। वो 22 वर्ष का था जब वो ब्रुकफील्ड में आया था। ही हैड सर्व फॉर अ ईयर एट मलबरी बिफोर दिस। इससे पहले एक साल तक चिप्स ने मेलबरी स्कूल में भी काम किया था। ही कुड रिमेंबर द डे ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विद मिस्टर वेदरबाय एंड हिज एडवाइस। उसे मिस्टर वेदरबाय से अपनी इब्तदाई मुलाकात और उनकी की हुई नसीहत भी याद थी। ही कुड नॉट फॉरगेट द डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास। अपनी पहली क्लास लेने में जो दुश्वारी आई थी वो उसे कभी भी ना भुला सका। ही हैड शेड्यूल्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू ब्रुकफील्ड क्लॉक। उसने अपनी ज़िंदगी को ब्रुकफील्ड के औकात के मुताबिक ढाल लिया था। डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास समरी चैप्टर नंबर 1 की। अब हम चलते हैं इसके सेनम्स की तरफ। सेनम्स में जो फर्स्ट वर्ड है गेटिंग ऑन, ज़्यादा उम्र होना, ग्रोइंग ओल्ड, डेकेड, दिहाई, 10 साल से ज़ायद का अरसा, अ सीरीज ऑफ 10 ईयर्स, स्प्राइटलनेस, जिंदा दिली को कहते हैं, लिवलीनेस, डिटेक्टिव, सुराग रसा, इन्वेस्टिगेटरी, रिमार्केबल, नुमाया, डिस्टिंग्विश्ड, नोटवर्दी, फिनलैंड, दलदल, मार्शी एरिया, एनोडोमनी, ईसवी तारीख का मुखफ्फ, ओल्ड एज, रैज्ड, जलील करना, हेटिड, प्रिलिमिनरी, इब्तदाई, इनिशियल, इंट्रोडक्टरी, चबी, मोटे, स्मॉल एंड फैट, फ्लैशी, विविड, वाजे, क्लियर, रिकोलेक्शन, माजी की याद, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, फादरली, बाप जैसा या मुशफ़िकाना, लविंग, अफेक्शनेट, कर्टियस, शाइस्ता या शुक्रिया अदा करना, पोलाइट, काइंड। नंबर 15 पे है हमारे पास इंथ्यूज़ियम, जोशो खरोश, डिवोशन, पैशन, ऑर्डिल, अजमाइश, ट्रायल, लस्टी,
तनोमंद, एनर्जेटिक, विगरस। बारबेरियंस, वहशी, अनसिविलाइज्ड, इनह्यूमन। पाउंस ऑन, झपटने का अमल। स्वॉप ऑन, जंप। रफोइन, बदमाश। रॉडी, विलन। बेटिंग, तंग करना। टीजिंग, इंटाइस। मॉब, हुजूम, क्राउड। पिटीलेस, बेरहम। रथलेस, इम्प्लेकेबल या इम्प्लेसेबल भी पढ़ते हैं। नाकाबिल तस्खीर, अनफॉरगिविंग। हश, खामोश करना। साइलेंस। स्कॉल, माथे पर बल डालना। फ्रॉन, रैटल्ड, गिड़गिड़ाना। क्लैंग या काइंस। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। जेम्स हिल्टन इज द राइटर ऑफ द नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू नो अबाउट जेम्स हिल्टन। आप जेम्स हिल्टन के बारे में क्या जानते हैं। जेम्स हिल्टन वॉज अ नावलिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। जेम्स हिल्टन एक नावल निगार और एक जर्नलिस्ट भी था। ही रोट सम फेमस नावल्स। उसने कुछ मशहूर नावल लिखे। गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ वन ऑफ देम। गुड बाय मिस्टर चिप्स उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट टाइप ऑफ नावल इज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। किस तरह का नावल है। इट इज़ अ बायोग्राफिकल नावल। इसे सेमी बायोग्राफिकल पढ़ेंगे हम, क्योंकि सिर्फ चिप्स का जिक्र नहीं है, बाकी भी हालात वाक़यात को इसमें डिस्कस किया गया है। इट डील्स विद द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स। ये मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के साथ बयान करता है, मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी को। द डिटेल्स आर ब्यूटीफुली वोवन इनटू स्ट्रक्चर ऑफ द नावल। जितनी भी डिटेल्स हैं वो खूबसूरती से एक स्ट्रक्चर के अंदर इस नावल में बयान की गई हैं। इट इंस्पायर्स द रीडर टू गिव डेडिकेशन टू द वर्क इन हैंड एंड विन पॉपुलैरिटी। ये इंस्पायर करता है एक पढ़ने वाले को कि वो डेडिकेट करे एक काम को और उसकी पॉपुलैरिटी को हासिल करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुआ। मिस्टर चिप्स हुज रियल नेम चिपिंग वॉज बॉर्न इन 1848। वो मिस्टर चिप्स जिसका असल नाम मिस्टर चिपिंग था, वो 1848 में पैदा हुआ। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि MCQs भी हमारे यहीं से ही तैयार होते जा रहे हैं। जिस तरह रियल नेम पूछा गया चिपिंग का या डेट ऑफ बर्थ 1848 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल। क्या सिग्निफिकेंस है जो टाइटल है इस नावल का। द वर्ड्स गुड बाय मिस्टर चिप्स वर स्पोकन टू मिस्टर चिप्स बाय कैथरीन ऑन द नाइट बिफोर हर मैरिज। शादी से एक रात पहले ये अल्फाज गुड बाय मिस्टर चिप्स कैथरीन की तरफ से मिस्टर चिप्स को बोले गए। लेटर ऑन, बाद में, अ बॉय रिपीटेड द सेम वर्ड्स टू चिप्स। एक और लड़के ने भी इन्हीं अल्फाज को मिस्टर चिप्स के सामने दोहराया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डू यू नो अबाउट हिज पेरेंटेज। आप उनके वालदैन के बारे में क्या जानते हैं। जेम्स हिल्टन टेल्स अस नथिंग अबाउट हिज पेरेंटेज। जेम्स हिल्टन ने हमें उसके वालदैन के बारे में नहीं बताया। सेवन, हाउ डिड द हॉर्स सेम टू पास व्हेन मिस्टर चिप्स वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स किस तरह अपने वक्त को गुजारता था। मिस्टर चिप्स फेल्ट स्लीपी एट टाइम्स। मिस्टर चिप्स ज़्यादातर अपना जो वक्त था वो सोने में गुजारता था। द आवर्स सीम्ड टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप। और ये जो घंटे होते थे उसके लिए ऐसे मालूम होते थे जैसे एक
लेजी कैटल, एक जो लेजी मवेशी है वो किसी भी लैंडस्केप में से गुजरता हुआ जा रहा है। ही रिमेन्ड लॉस्ट इन द पास्ट, वो हमेशा माजी की यादों में खोया रहता था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम, वो किस तरह अपने वक्त को गुजारता था, और व्हाट वर एक्टिविटीज ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, या किस तरह की एक्टिविटीज़ थी मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद। मिस्टर चिप्स शिफ्टेड टू मिसिज विकेट्स हाउस आफ्टर हिज रिटायरमेंट, मिस्टर चिप्स मिसिज विकेट के घर रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट हो गया था। देयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग, रिमेम्बरिंग, टॉकिंग, टेकिंग टी एंड राइटिंग लेटर्स, वहाँ पर वो अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ने, माजी की यादों को याद करने में, बातें करने में, चाय पीने और खतूत लिखने में गुजारता था। ही वर्कड इन प्ले ग्राउंड एंड वॉच द गेम्स, वो प्ले ग्राउंड के अंदर वॉक करता था और गेम्स को देखता था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड चिप्स वॉइस साउंड आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद भी मिस्टर चिप्स की आवाज़ का जो साउंड था, जो पिच थी, वो किस तरह से थी। मिस्टर चिप्स हैड अ हाई पिच जर्की वॉइस, मिस्टर चिप्स की जो आवाज़ थी वो हाई पिच जर्की थी, मतलब कि लाउडली एक तरह से वॉइस थी, एक्टिव वॉइस जिसे हम कहते हैं कि शानदार किस्म की उसकी आवाज़ थी। इट हैड अ गुड डील ऑफ लिवलीनेस इन इट, उसके अंदर एक जिंदा दिली ज़रूर पाई जाती थी, आवाज़ के अंदर जो जिंदापन था वो अभी भी बरकरार था। इट शोड दैट ही वॉज हेल्दी थ्रू एडवांस इन ईयर, ये चीज़ इस चीज़ को जाहिर करती है कि अपने जो एडवांस ईयर थे उनके अंदर वो हेल्दी रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉक्टर एंड व्हाट ही वुड से अबाउट हिम, उसके डॉक्टर का क्या नाम था और वो उसे हमेशा क्या कहता था। द नेम ऑफ हिज डॉक्टर वाज मैरीवेल, उसके डॉक्टर का नाम मैरीवेल था। ही वुड से दैट चिप्स वॉज फिटर देन ही हैड नो हॉरिबल डाइजीज, वो कहता था कि मिस्टर चिप्स जो है वो काफ़ी सेहतमंद है और उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, वो एक तबई मौत मरेगा, कुदरती मौत मरेगा। ही कॉल्ड चिप्स अ मैचलेस ओल्ड बॉय, वो मिस्टर चिप्स को एक ऐसा लड़का जिसे किसी के साथ कंपेयर ना किया जा सके, ये जो डॉक्टर था मैरीवेल ये उसे कहता था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड मैरीवेल से दैट चिप्स वुड डाई नेचुरल डेथ, क्या वजह थी कि डॉक्टर मैरीवेल जो था वो ये कहता था मिस्टर चिप्स को कि वे मिस्टर चिप्स जो है वो एक नेचुरल डेथ मरेगा, कुदरती मौत मरेगा, तबई मौत मरेगा। चिप्स वॉज क्वाइट फिट इवन एट द एज ऑफ 75, 75 साल की उम्र में भी चिप्स अभी तक फिट था। ही हैड नो पार्टिकुलर डाइजीज, उसमें किसी भी तरह की पार्टिकुलर डाइजीज नहीं थी, बीमारी नहीं थी, किसी भी बीमारी में वो मुब्तला नहीं था। ही वॉज फिटर देन द डॉक्टर, वो डॉक्टर से भी ज़्यादा फिट था। सो इसलिए देर वॉज पॉसिबिलिटी, ये मुमकिन था, ये इम्कान था दैट ही वुड डाई अ नेचुरल डेथ, के वो एक तबई मौत मरेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाई हैड ही लीव टू मेलबरी, उसने मेलबरी स्कूल क्यों छोड़ा था। मिस्टर चिप्स हैड टू लीव मेलबरी, मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल को छोड़ दिया था। इट वॉज बिकॉज ही कुड नॉट मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, जो वजह बनी थी वो ये थी कि क्लास के अंदर वो नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने में नाकाम हो गया था। ही कुड नॉट कंट्रोल द क्लास, वो क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाता था। द बॉयज़ इंसल्टेड हिम, लड़के उसकी बेइज्जती करते थे। सो ही डिसलाइक मेलबरी, इसीलिए वो मेलबरी को नापसंद करता था। हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ स्कूल वेन चिप्स ज्वाइन ब्रुक फील्ड, जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुक फील्ड को ज्वाइन किया तो उस टाइम ब्रुक फील्ड स्कूल का हेड मास्टर कौन था। वेन चिप्स ज्वाइन ब्रुक फील्ड, मिस्टर वेदरबाय वॉज इट्स हेड मास्टर, जब चिप्स ने ब्रुक फील्ड स्कूल को ज्वाइन किया तो मिस्टर वेदरबाय वहाँ का हेड मास्टर था। ही वॉज वेरी काइंड टू मिस्टर चिप्स, वो मिस्टर चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान था। ही एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स टू अडॉप्ट स्ट्रिक्ट एटीट्यूड इन द क्लास, उसने मिस्टर चिप्स को नसीहत की
कि अपनी क्लास में वो सख्त रवैया रखे या सख्त रवैया अपनाए। ही एडवाइज टू गिव हिज डिवोशन टू स्कूल, और उसने उसे नसीहत की कि अपनी वो डिवोशंस जो हैं वो स्कूल को दे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ फेलोज वाज मिस्टर वेदरबाई? मिस्टर वेदरबाई किस तरह का फेलो था? मिस्टर वेदरबाई वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस। मिस्टर वेदरबाई जो था वो मुशफिकाना, एक बाप जैसा प्यार देने वाला, और कर्टियस था, शुक्र अदा करने वाला था, शुक्रिया अदा करने वाला था। ही हैड विविड आइज, वो दूर नज़र था। दूर नज़र का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पहले से भांप लेना, जांच लेना। ही वॉज इल व्हेन मिस्टर चिप्स ज्वाइन ब्रुकफील्ड, वो बीमार था जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। ही बिहेव्ड वेल विद चिप्स, उसने बहुत अच्छा बिहेव किया मिस्टर चिप्स के साथ। ही वॉज द हेड मास्टर ऑफ स्कूल व्हेन चिप्स ज्वाइन स्कूल, तो वो हेड मास्टर था स्कूल का जब मिस्टर चिप्स ने स्कूल को ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर वेदरबाई गिव टू मिस्टर चिप्स कंसर्निंग डिसिप्लिन, और हाउ डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइस मिस्टर चिप्स? क्या नसीहत थी जो वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को डिसिप्लिन के हवाले से कही थी, या फिर मिस्टर चिप्स ने क्या नसीहत की थी, मिस्टर चिप्स को क्या नसीहत की गई थी मिस्टर वेदरबाई की तरफ से? मिस्टर वेदरबाई एडवाइस्ड मिस्टर चिप्स टू टेक अ स्ट्रिक्ट एटीट्यूड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को नसीहत की कि वो शुरू से ही अपना रवैया सख्त रखे। ही सेड दैट ही शुड गिव हिज इंथ्यूजिज्म टू स्कूल एंड द स्कूल वुड रिटर्न हिम समथिंग इन रिटर्न। दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। ही सेड दैट ही शुड गिव हिज इंथ्यूजिज्म टू स्कूल एंड द स्कूल वुड गिव हिम समथिंग इन रिटर्न। तो उसने ये कहा था कि तुम अपने इंथ्यूजिज्म जो है वो स्कूल को दो, डिवोशन स्कूल को दो, और एक दिन आएगा जब स्कूल तुम्हें रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइस मिस्टर चिप्स? मिस्टर वेदरबाई ने किस तरह से मिस्टर चिप्स को नसीहत की? मिस्टर वेदरबाई एडवाइस मिस्टर चिप्स इन द वर्ड्स, गिव योर इंथ्यूजिज्म टू ब्रुकफील्ड एंड इट विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। चिप्स एक्सेप्ट अपॉन हिज एडवाइस एंड सक्सीडेड इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। अब ये सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले चंद एक क्वेश्चन के साथ। होप कि आपको इसके आंसर की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ गिव मैनी बॉयज वर सिटिंग इन द क्लास? किस तरह से, हाउ मैनी बॉयज वर सिटिंग इन द क्लास? किस तरह से बच्चे जो थे वो क्लास के अंदर बैठे हुए थे, किस तरह का सिटिंग प्लान था, किस तरह का माहौल था? मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास इन द मंथ ऑफ सितंबर इन द बिग हॉल। मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास सितंबर के महीने में एक बड़े हॉल के अंदर ली। देयर वर 500 विकेड एंड नॉटी बॉयज इन हिज क्लास। उसकी क्लास में तक 500 के करीब स्टूडेंट्स जो थे, लड़के जो थे, जो कि शरारती और वहशी एक तरह से नज़र आने वाले थे। दे लुक्ड लाइक बारबेरियंस रेडी टू पाउंस अपॉन हिम, वो ऐसे लगते थे जैसे वो वहशी हों, कोई दरिंदे हों, और अभी वो मिस्टर चिप्स पर झपट पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वाज इन द हॉल व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास? किस तरह का माहौल था हॉल के अंदर जब मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली? व्हेन चिप्स टुक हिज सीट, जब मिस्टर चिप्स ने अपनी सीट संभाली या सीट पर उसने बैठा। देयर वॉज सडन हर्श इन द क्लास। देयर वॉज स्मेल ऑफ इंक एंड वार्निश। द क्लॉक वॉज टिकिंग बिहाइंड हिम। तो क्या हुआ, जैसे ही मिस्टर चिप्स अपनी सीट पर बैठा, अपनी कुर्सी पर बैठा, तो वहाँ पर अचानक से हर्ष, खामोशी छा गई क्लास के अंदर, और वहाँ पर एक स्मेल फैल गई जो कि स्याही और वार्निश की तरह की थी, और जो घड़ी की आवाज़ थी, जो घड़ी की टिक टिक थी, वो भी सुनाई दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट मिस्चीफ वाज मेड इन वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ चिप्स एट ब्रुकफील्ड? क्या गलती थी जो कि पहली क्लास के अंदर ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स की क्लास में की गई? व्हेन ही वाज टेकिंग हिज फर्स्ट क्लास, जब वो अपनी पहली क्लास ले रहा था, समवन ड्रॉप द डेस्क लीड, तो किसी ने डेस्क लीड जो थी वो गिरा दी थी। ही कॉट द बॉय हु मेड मिस्चीफ,
एंड पनिश्ड हिम। लेकिन क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स ने उसने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने ये गलती की थी और उसे सजा दी गई। आफ्टर दैट नो बॉडी ट्राई टू मेक मिस्चीफ। इसके बाद किसी ने भी गलती करने की कोशिश नहीं की। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज कॉले? कॉले कौन था? ही वॉज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एट ब्रुकफील्ड। वो मिस्टर चिप्स का एक पुराना स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड स्कूल में। मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम फॉर मेकिंग अ मिसचीफ व्हाइल ही वॉज टेकिंग फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स ने उसे सजा दी थी जो उसने गलती की थी अपनी पहली क्लास के अंदर, जब वो ब्रुकफील्ड में पहली अपनी क्लास ले रहा था। तो ये वही लड़का है जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा था कि जिसने गलती की थी, वो फिफ्थ रो के अंदर बैठा हुआ एक लड़का था जिसके रेड हेयर्स थे। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम कोले है। लेटर ऑन ही बिकेम एन ओल्डर मैन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। बाद में वो एक जो शख्स बना था, अजीम शख्स बना था इस शहर लंदन का। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड चिप्स ट्रीट कॉले हु ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, और हाउ डिड चिप्स पनिश्ड हिज फर्स्ट स्टूडेंट। ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस के साथ, तो इसका आंसर देखते हैं। चिप्स ऑर्डर्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। चिप्स ने जब उसे पकड़ लिया था तो उसे सजा के तौर पर 100 लाइनें ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कहा। आफ्टर दैट इसके बाद देयर वॉज नो ट्रबल इन द क्लास। किसी भी किस्म की गलती नहीं की गई उसकी क्लास के अंदर। ही हैड वॉन द फर्स्ट राउंड इन द क्लास एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी। तो इससे क्या हुआ कि उसने जो पहला राउंड था अपनी क्लास के अंदर वो जीत लिया था और उसने अपनी एक अथॉरिटी को कायम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द फैशन अडॉप्टेड बाय मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग हिज यूथ डेज। किस तरह का फैशन था मिस्टर चिप्स के जवानी के दिनों के अंदर जो वो अडॉप्ट करता था? मिस्टर चिप्स वॉज फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, हाई कॉलर्ड एंड साइड विस्कर्ड यंग मैन। मिस्टर चिप्स जो था वो एक खूबसूरत दिखने वाला, हाई कॉलर्ड और जो उसके बालों का स्टाइल था वो साइड विस्कर्ड था। वो एक यंग मैन था, नौजवान शख्स था। दिस वॉज द ओल्ड फैशन अडॉप्टेड बाय द पीपल इन दोज डेज। ये उन दिनों में एक फैशन था, पुराना फैशन था जो कि लोगों की तरफ से अडॉप्ट किया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सेनम्स और शार्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिस्टर चिप्स के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे मेथड की समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस मेथड को चेंज कर सकूं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, होप कि आप लोगों को समझ तो आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग गेन करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट